हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम HPSSC स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 933 का वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस भी आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगी, वहां से आप चेक कर लेना। 50 नर्सिंग के क्वेश्चन हमने कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। GK पार्ट, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर भी हम कर चुके हैं। और आज हम नर्सिंग का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें देखिए 51 जो क्वेश्चन है वो क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड फॉर अ बेबी एट द एज ऑफ, तो इसका सही आंसर है टॉडलर। देखिए इन्फेंट में भी नहीं होगा, प्री स्कूल के जो बच्चे हैं वो तो थोड़े बड़े हो जाएंगे, और स्कूल एज में तो बच्चा फिर 12 साल तक हो जाता है। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो है टॉडलर, क्योंकि वो 1 से 3 साल का बच्चा होता है और टॉयलेट ट्रेनिंग इसी एज में करानी चाहिए। बाकी जितने भी एज हैं आप देखिए, इसमें तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसमें नहीं होगा तो फिर उसे कहीं भी बाहर वो जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, वो हो सकता है कपड़ों में ही टॉयलेट कर दे। और इन्फेंट काफ़ी छोटा होता है, इसमें भी नहीं होता क्योंकि ये 1 ईयर तक माना जाता है, 28 डेज से लेके 1 ईयर तक। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इस अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, मम्स का कॉम्प्लिकेशन पूछा है। तो ऑर्काइटिस इसका कॉम्प्लिकेशन रहता है, बाकी पैरालिसिस, मायोकार्डाइटिस और हर्पस ये इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच एग्जामिनेशन इज डन टू कन्फर्म TB मैनेंजाइटिस, तो CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन से ही आपका TB मैनेंजाइटिस पता चलता है। कुछ बच्चों ने स्पूटम एग्जामिनेशन इसमें कर दिया होगा, ये आपका नहीं रहने वाला है। स्पूटम कल्चर जो होता है वो भी आपका TB के लिए किया जाता है, और लंबर पंचर भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि लंबर पंचर हम करते हैं तो उससे भी तो हम क्या निकाल, CSF ही तो कलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए यही आंसर इसका करेक्ट रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर फिमोसिस, तो ये सरकम सीजन है। फिमोसिस का क्वेश्चन ही काफ़ी बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, और ये इसका सही आंसर है, पिछली बार भी ये आया हुआ है। द हाइट ऑफ द यूट्रस एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एट, तो ये 18 वीक्स है। जब अम्बिलिकस तक आ जाता है यूट्रस का लेवल, यानी कि हाइट ऑफ यूट्रस, तो वैसे 20 माना जाता है, बट इसमें 20 कहीं पे था नहीं, तो इसलिए 18 हम लेंगे। ठीक है, ये तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि, इसलिए हम 18 जो इसके आस 20 के आसपास है तो हमने इसलिए वही लिया है, 20 इसका सही आंसर रहेगा। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज़ अप टू, तो फर्स्ट स्टेज पहली स्टेज पूछिए तो कहाँ तक होती है, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स है। सेकंड स्टेज कहाँ से होगी, तो फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ बेबी, बेबी का बर्थ हो जाएगा, और थर्ड स्टेज में फिर बेबी का बर्थ होगा और प्लेसेंटा की डिलीवरी होगी। तो फर्स्ट स्टेज या पूछिए कहाँ तक होगी, तो फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक रहेगी, ये सी क्वेश्चन सही इसका आंसर। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ डिमेंशिया इज, तो अल्जाइमर डिमेंशिया बहुत कॉमन है। ठीक है, वैसे तो वस्कुलर डिमेंशिया भी एक टाइप है डिमेंशिया का, ये वाला भी है डिमेंशिया का टाइप, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये तो है ही नहीं, तो ये तो आंसर आपका आएगा ही नहीं, इसलिए अल्जाइमर डिमेंशिया सबसे ज़्यादा कॉमन रहने वाला है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिस्टीरिया इज, तो हिस्टीरिया एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंडर आता है, ये साइकोटिक मूड डिसऑर्डर नहीं है। और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी किसी बच्चे ने ये ज़रूर किया होगा, क्योंकि उसमें हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपने सुना होगा, लेकिन जो हिस्टीरिया है एक प्रॉब्लम वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर पड़ी जाती है। 59 में है, शेप रीजेंट इज स्पेसिफिक फॉर, तो ये रीजेंट जो स्पेसिफिक है ये पूछा गया, तो DNA के लिए है ये। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी, सेल का डिस्कवर उन्होंने 1665 में किया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आपको आना चाहिए। ये सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, कब की थी, 1665 में। प्लांट सेल आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एनिमल सेल इज कंटेनिंग, तो सेल वॉल से यानी कि सेल वॉल का इसमें होता है, एक में आपको सेल वॉल मिलेगा और एक में सेल वॉल नहीं मिलेगा, यानी प्लांट और एनिमल सेल में ये भेद होता है, भिन्नता होती है। हीमोग्लोबिन इज अ, तो बोथ ए एंड बी इसका डी आंसर सही रहने वाला है, यानी कि मोनोमेरिक प्रोटीन भी होगा और ऑलिगोमेरिक प्रोटीन भी होगा इसमें। कोल्चिसिन
अरेस्ट माइटोसिस एट, तो इसका मेटाफेज सही आंसर है बी। नेक्स्ट है 64, अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ, इसमें सॉल्वेंट सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज कंस्टिट्यूट ऑफ बायोटीन, तो सल्फर इसका घटक है, बायोटीन का घटक पूछा गया तो सल्फर है। नेक्स्ट है एटीपी इज फुल फॉर्म पूछी गई, तो एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोला जाता है एटीपी को। 67 है विच वन यील्ड द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम, इसका सही आंसर फैट रहेगा क्योंकि 9 देता है, 9 किलो कैलोरी देता है, ये 4 देता है, ये भी 4 देता है, और फिर अमाइनो एसिड तो फिर इधर ही आ गए दोनों, प्रोटीन का ही होता है, अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड्स मिलकर ही प्रोटीन बनाते हैं। फैट कितना देगा, 9 किलो कैलोरी देगा, प्रोटीन 4 किलो कैलोरी देगा और कार्बोहाइड्रेट भी 4 देगा, पर ग्राम के हिसाब से ये बताया गया है। जिबेरियन है एक, इज अ, तो ये एक स्टेरॉल है, इसका सही आंसर ये ही रहेगा क्योंकि विटामिन भी नहीं होता है जिब्रेल। आपने कोई इस तरह का विटामिन सुना है या फिर इस तरह की शुगर सुनी है या कार्बोहाइड्रेट इस तरह का सुना है आपने इस नाम से, या फिर प्रोटीन सुना है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता होगा कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो जिबेरियल नाम का आपने कुछ भी विटामिन प्रोटीन या शुगर सुना होगा, तो इसलिए स्टेरॉल इसका राइट आंसर रहने वाला है। यील्डिंग सेल अकर्स इन, तो ये टेस्टिस है, ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है, पिछले ही साल ये 2021 में ही आया हुआ है, ये HPSSC में और फिर से आया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है, तो पुराने पेपर से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। देखिए द टर्म विटामिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, विटामिन टर्म फंक ने इंट्रोड्यूस किया है, बी आंसर है। लंग्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स आर कॉल्ड, इनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। RH फैक्टर इज नेम आफ्टर मंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा, तो ये 4 सेंटीमीटर है, वहीं आपको अगर कोई पूछ ले कि मेल यूरेथ्रा की कितनी होती है, तो मेल यूरेथ्रा की 10 सेंटीमीटर होती है, फीमेल की 4 सेंटीमीटर होती है। गोट इज ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड की वजह से जो गठिया की प्रॉब्लम होती है, गठिया कहते हैं इसे हिंदी में, वो हो जाता है, यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन सेरेब्रम ऑडिटरी एरिया अकर्स इन, तो ये टेम्पोरल लोब में होता है, क्योंकि देखिए फ्रंटल लोब आपके सामने आ गई, पैराइटल लोब थोड़ा सा ऊपर आ गई, कान के पास जो ये लोब है ना आपके ईयर्स के पास, तो वो टेम्पोरल ही लोब है, और बाकी ऑसिपिट तो आपके फिर पीछे है, आप लिखा भी है इसमें अनुकपाल पाली हिंदी में, तो पीछे है वो, तो हमारे सर के जो स्कल होता है उसके पीछे है। नेक्स्ट है 76, द रिसेप्टर ऑर्गन फॉर सेंस ऑफ हियरिंग आर लोकेटेड इन, तो इसका कोकलिया है सही आंसर ए। ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, तो इसका सही आंसर पैराथायरॉइड है, पैराथायरॉइड जो होता है ग्लैंड वो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। स्प्लीन स्टोर्स, तो ऑल ऑफ अबव इसमें दिया गया है, स्प्लीन RBCs लिम्फोसाइट और आयरन सबको स्टोर करता है, बाकी जीके पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, इसलिए मैं आगे की क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ जो नर्सिंग के पार्ट के हैं। द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट विच डाइटरी कॉम्पोनेंट, तो प्रोटीन इसमें सही आएगा, पेप्सिन जो है प्रोटीन में, प्रोटीन के अंदर आप पढ़ते हो। वट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन एनी इम्यून रिस्पॉन्स, तो इसका सही आंसर ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द वैंडरिंग फेगोसाइट्स फाउंड इन द एल्वोलाई आर कॉल्ड, तो एल्वोलर मैक्रोफेजेस को बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी इतना मुश्किल नहीं था, अगर आप एल्वोलाई से रिलेट करके सीधे यहाँ पर आपको आंसर देना था एल्वोलर मैक्रोफेजेस पे। अ नर्स डिस्कवर एन इलेक्ट्रिकल फायर इन अ क्लाइंट्स रूम, हर फर्स्ट एक्शन वुड बी, उसका पहला एक्शन क्या रहने वाला है, अगर नर्स देखती है रोगी के कमरे में एक विद्युत जनित आग का पता चल जाए उसे, तो सबसे पहले सभी को बाहर निकालने की ट्राई करेंगे, इवैक्यूएट एनी क्लाइंट और विजिटर इन इमीडिएट डेंजर, उनको बचाने के लिए, बाकी सारे जो हैं वो फिर दूसरे एक्शन में आएंगे, लेकिन फर्स्ट एक्शन पूछा गया है। अ प्रीमीग्रेविडा एट 37 वीक्स रिपोर्टेड टू लेबर रूम विद सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया, हो गया है यानी प्लेसेंटा पहले आ जाना और बीच में होना सर्विक्स में यूट्रस में,
विद हैवी ब्लीडिंग पर वजाइनम द FSH वाज नॉर्मल एट टाइम ऑफ एग्जामिनेशन FSH नॉर्मल है द बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर हर इज़ तो इसके लिए बेस्ट मैनेजमेंट डी रहेगा इंडक्शन एंड फोर्सेप डिलीवरी ठीक है क्योंकि FSH तो नॉर्मल आ रहा है इसलिए सिजेरियन सेक्शन की नीड नहीं है इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ क्लाइंट नीड टू लर्न टू यूज़ अ वाकर एक्विजिशन ऑफ द स्किल विल रिक्वायर लर्निंग इन आंसर जो रहेगा सी रहेगा कोगनेटिव डोमेन नेक्स्ट है आपका द एक्सरे फाइंडिंग इन अ पेशेंट विद प्लूरल इफ्यूजन रिवील्स दैट फ्लूड पार्ट ऑफ बिल्ड अप एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रेविटी द लेटरल एंगल इसमें आंसर आपका सी सही रहेगा बाकी और नहीं रहेंगे 66 है आपका 166 द कोर टेम्परेचर इज मेजर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट तो दो हैं इसमें रेक्टल रेक्टम से और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से दोनों से ले सकते हैं कोर टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है सर्जिकल प्रोसीजर यूज टू करेक्ट डेविएटेड नेजल सेप्टम तो इसमें सेप्टोप्लास्टी सेप्टम से आप समझ सकते हो सेप्टोप्लास्टी इसमें होगा ड्यूरिंग CPR आफ्टर हाउ मेनी साइकिल डज अ रेस्क्यूअर चेंज कितने साइकिल के बाद जो दो रेस्क्यूअर होते हैं उनको बदल देना चाहिए तो दो साइकिल होने के बाद जो नेक्स्ट रेस्क्यूअर है वो कंटिन्यू कर सकता है 169 का है क्वेश्चन अ रेशियो ऑफ मिक्सिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर फॉर एक्टिंग एज एन डिसइंफेक्टेंट 1:20 इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एस्केरिस 4 to 8 weeks तक बताया जाएगा इसको द एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल पॉइजनिंग इज एन एसिटाइल सिस्टेन इसका सही आंसर है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पैरासीटामोल पॉइजनिंग अगर किसी को हो जाए तो एन एसिटाइल सिस्टेन जो ड्रग है वो दी जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लाइंट नेम रोहन विद वेट 65 kg विद पर्मनरी एडिमा इज ऑर्डर टू हेपेरिन 10 units per kg per gram हाउ मच यूनिट ऑफ हेपेरिन शुड ही रिसीव ईच आवर तो से ही इसका आंसर है और देखिए बिल्कुल इससे रिलेटेड आंसर है ये बाकी तो सॉल्व करके ही पता चलेगा फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द लिविंग डोनर मस्ट गिव कंसेंट रिलेटेड टू ऑल कंपोनेंट्स एक्सेप्ट टू नो फॉलोअप ये वाला ऐसा कोई उनको नहीं कहना है बाकी सारे कंसेंट प्रोसेस में हेल्थ इवेल्युएशन प्रोसेस सर्जिकल प्रोसेस सारा कुछ इसमें आएगा बाकी डी नहीं आएगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ सी पैप मास तो क्लस्ट्रोफोबिया उनको हो सकता है क्लोज स्पेस से यानी कि फियर हो जाना पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर पीप इसको कहते हैं वो क्या है तो एल्वोलर प्रेशर अबव एटमोस्फेरिक प्रेशर इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 ml फ्लूड इज गिवन टू पेशेंट CVP इज 3 ml ऑफ एच जी देन व्हाट द नेक्स्ट इंटरवेंशन टू डू नथिंग इसमें करने कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीट रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी इज लोकेटेड तो हाइपोथैलेमस है ये क्वेश्चन ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी बार रिपीट होता है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम तो 500 ml है इसका आंसर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर है ये क्वेश्चन भी आता है और ये इसमें यही आंसर आने वाला है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है वो बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है बाकी कॉलिस फ्रैक्चर तो रेडियस में जब हो जाता है वो होता है नेक्स्ट देखिए BCG जो वैक्सीन है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है नेक्स्ट क्वेश्चन मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया तो हेमरेज की वजह से सबसे ज़्यादा मैटरनल मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु होती है व्हेन एन इंडिविजुअल ब्लेम अदर्स फॉर हिज अवन मिस्टेक देन इट रेफर्स टू एस तो ये प्रोजेक्शन होगा अपनी गलती दूसरों पर थोपना या खुद जो गलती करी है वो दूसरे में देखना कि इसने कराए तो ये प्रोजेक्शन होता है रिजेक्शन एग्रेशन कंपनसेशन ये नहीं आएगा रिग्रेशन में तो पेशेंट जो है वो चाइल्डिश बिहेवियर करता है यानी कि कोई भी उससे गलती हो जाएगी तो चाइल्ड लाइक रोने लग जाना कहीं पर इस तरह का उसका बिहेवियर उसमें रहता है एग्रेशन में भी ये नहीं आएगा और कंपनसेशन में तो कंपनसेट करेगा वो अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको तो कंपनसेशन तो ये होता है कि अपनी वीकनेस को
हावी नहीं होने देना है यानी कि अपने ऊपर, जैसे कि कोई अगर टांग नहीं है, किसी की टांग कट गई है तो उसे जिंदगी में पढ़ाई में तो अच्छा हूँ, मैं पढ़ाई में कुछ कर सकता हूँ, इस तरह से किसी और जगह उसमें लगा देना। या फिर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो स्पोर्ट्स लाइन में उसका करियर अच्छा हो सकता है, वो स्पोर्ट्स में अपना पूरी ताकत लगा दें, तो ये इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। द मोस्ट कॉमन साइट फॉर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज, तो यूटीआई इसमें होता है, जैसे कि कैथेटर जब लगाया जाता है तो यूटीआई होने के बहुत चांसेस रहते हैं, ये मोस्ट कॉमन रहता है, मोस्ट कॉमन है ये। अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज, तो ये देयर जीनोटाइप है। ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेशन आर इन द मिडल लाइन ऑफ द एब्डोमेन ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन एक्सटेंडिंग फ्रॉम ज़िम्फर्ड स्टर्नम टू सिम्फोसिस इज कॉल्ड डी, इसका सही आंसर रहने वाला है। एक ब्राउन कलर की लाइन होती है, मान लीजिए अगर ये पूरा अब्डोमिन मान लीजिए इसको और ये अम्बिलिकस है, तो इससे नीचे एक लाइन इस तरह से होगा सिम्फोसिस प्यूबिस तक वो जाएगी लाइन, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, लिनिया निग्रा इसको बोलेंगे। और जो लाइन इस तरह से होती हैं साइड में स्ट्रेच मार्क से बन जाते हैं उनको ये बोलते हैं स्टेराइड ग्रेविडरम, तो आप समझ गए होंगे। इन मियोसिस हाउ मैनी डॉटर सेल आर प्रोड्यूस्ड, तो चार है इसका सही आंसर। द मोस्ट रिलेवेंट नॉलेज अबाउट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू अ पेशेंट विद COPD इंक्लूड, सो फर्स्ट देखिए इसमें फर्स्ट है ऑक्सीजन एट 1 to 2 liters पर मिनट इज गिवन टू मेंटेन हाइपोक्सिक स्टिमुलस फॉर ब्रीथिंग। द एक्रोसम ऑफ स्पर्म कंटेन्स, तो इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है, शुक्राणु के एक्रोसोम में पूछा गया है क्या होता है, तो न्यूक्लियर मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट टेकिंग साइक्लोस्पोरिन आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांटेशन अबाउट की मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन द नर्स टेल द क्लाइंट टू बी स्पेशली अलर्ट फॉर, इसका सही आंसर है ए साइन ऑफ इन्फेक्शन में देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिनिन इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रेटेड इन द यूरिन एंड डिराइव्ड फ्रॉम द मसल, इसका सही आंसर है द म्यूक्योसा ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस डैश सिक्रेशन, तो न्यूट्रल होता है उनका सिक्रेशन। द प्राइमरी फेज इन द रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी इज कॉल्ड, द स्फेलिक फेज से बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वोलाई एंड द सराउंडिंग कैपिलरीज इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से बोला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेप्टाइड हार्मोन, तो गैस्ट्रिन है इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट इन स्वेट, तो कैल्शियम नहीं होता, बाकी यूरिया लैक्टिक एसिड वाटर जो पसीना है उसमें होता है, स्वेट में प्रेजेंट होता है। फॉर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर द नर्स शुड एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन, इसमें देते हैं 10 units 1 minute के अंदर देना होता है, बाकी सब गलत आंसर नीचे वाले। व्हाट डज AVPU स्टैंड, तो ये है अलर्ट वॉइस पेन अनरिस्पॉन्सिव। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग माइट बी यूज्ड इन अ पेशेंट असेसमेंट, तो ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन इसमें होते हैं, यानी कि क्लोज एंडेड यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हो आप उनसे, जैसे कि उनका नाम कहाँ के हो, पेशेंट का असेसमेंट करते हुए, और ओपन एंडेड क्वेश्चन में जिसमें वो खुले तौर पे अपनी प्रॉब्लम बता सके पेशेंट आराम से, कोई उसमें रुकावट ना हो। द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, यानी बहुत ज़्यादा अबंडेंट प्रचुर कहते हैं इसको, तो कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स बाय WHO, तो 2020 है ये इसका सही आंसर। सारे क्वेश्चन आज हमने कर लिए, ख़त्म हो गए ये HPSSC के, और प्रीवियस वीडियोज़ आप देख लेना, मैं लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अपलोड कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।